हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, यह है एडोब फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नंबर 13। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 12 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रश टूल और पेंसिल टूल का प्रयोग करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने अपना फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में और आपको यहां पर न्यू के ऊपर क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहां पर एक नई फाइल क्रिएट कर लिया। फाइल को क्रिएट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने टूल्स में। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्रश टूल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहां पे राइट क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यहां पे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल। तो आप यहां पे ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ब्रश टूल है, इसका पूरा सेटअप आपको आपके ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर इसका साइज, हार्डनेस और ब्रश दिया है। इसके राइट साइड में इसका मोड है और इसके राइट साइड में आपको इसका ओपेसिटी और फ्लो भी मिल जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना सेटअप कर लिया। तो आपको भी अपना सेटअप कर लेना है और सेटअप को करने के बाद आपको जाना है आपके अपने बैकग्राउंड के ऊपर। पेज के ऊपर जाने के बाद आपको अपने ब्रश से यहाँ पर ब्रशिंग करना है, और जब आप यहाँ पर ब्रशिंग करेंगे तो आपका जो ब्रश है वो किसी न किसी कलर में ब्रश करता हुआ आ जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा ब्रश जो है ये इसमें ब्लू कलर में चल रहा है, क्योंकि जो मेरा सेट फोरग्राउंड कलर है इसके अंदर ब्लू कलर है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं तो आप जो कलर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपका जो ब्रश है उसी कलर में ये ब्रशिंग करेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका सेट फोरग्राउंड कलर है उसके अंदर जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे आपका ब्रश उसी कलर में ब्रशिंग करेगा। ओके, तो ये था हमारा ब्रश टूल। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा पेंसिल टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने पेज के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको इससे लाइनिंग क्रिएट करना है। तो जब आप इससे लाइनिंग क्रिएट करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो मेरा पेंसिल टूल है ये एक पेन की तरह काम कर रहा है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो फोरग्राउंड में जाकर आप अपने पेंसिल का भी कलर बदल सकते हैं। तो मैंने अपने पेंसिल का कलर कर दिया ग्रीन, और ग्रीन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने बैकग्राउंड के ऊपर और इसको यहाँ पे ड्रा करना है। तो जब आप इसमें यहाँ पे ड्रा करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कलर मैंने फोरग्राउंड के अंदर सेलेक्ट किया है उसी कलर में जो मेरा पेंसिल है ये यहाँ पे चल रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपको अपने पेंसिल का सेटअप करना है तो टॉप साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ से जाकर आप अपने पेंसिल का सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पेंसिल टूल। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका कलर रिप्लेसमेंट टूल ओपन हो जाएगा और इसका पूरा सेटअप आपको टॉप में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से अपने टूल का सेटअप कर लेना है, और सेटअप करने के बाद आपको जाना है आपके अपने सेट फोरग्राउंड कलर में, और यहाँ पर क्लिक करके आपको कोई भी एक कलर सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया गोल्ड कलर सेलेक्ट। इसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपका जो सेट फोरग्राउंड कलर है इसके अंदर गोल्ड कलर आ जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ब्लू कलर का ब्रशिंग है वो गोल्ड कलर में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको सेट फोरग्राउंड के अंदर अपना गोल्ड कलर सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर आकर इसको यहाँ पर ब्रश कर देना है। तो जब आप इससे यहाँ पर ब्रश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा ब्लू कलर है ये गोल्ड कलर में रिप्लेस हो गया, जो आप यहां पर देख सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो आप रेड वाले कलर को भी इससे रिप्लेस कर सकते हैं।
तो मैंने इसको भी यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कलर रिप्लेसमेंट टूल जिससे आप किसी भी ब्रशिंग का कलर रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा मिक्सर ब्रश टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद टॉप साइड में आपको इसका पूरा सेटअप मिलेगा और नीचे आपको आपका सेट फोरग्राउंड कलर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पेज है उसके ऊपर का जितना भी ब्रश है उसके साथ मेरा ब्लू कलर मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ये करने के बाद आपको जाना है आपके अपने पेज के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको अपना मिक्सर ब्रश टूल सेलेक्ट करके आपको इसको यहाँ पे ड्रा करना है। तो जब आप इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे तो जो आपका कलर है वो दूसरे कलर के साथ मिक्स होगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जितना चाहें उतना आप कलर यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं और ये आसानी से मिक्स भी हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा मिक्सर ब्रश टूल जिससे आप एक से ज़्यादा कलर को मिक्स कर सकते हैं। ओके, तो ये थे एडोब फोटोशॉप के कुछ टूल्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।